नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गंगा और देश की अन्य प्रमुख नदियों की हालत में किया जाएगा सुधार। तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी होगी 21,000 करोड़ रुपए की राशि। लोगों और विज्ञान के बीच की दूरी को कम करने के लिए बेंगलुरु में हुआ 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। कुल्लू स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर में हुआ शामिल। और खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे क्या है ट्रांस फैट और अपने आहार में उसे सीमित करना क्यों है जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 25 जून को दिल्ली में भारत में नदियों के संरक्षण पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा पुनरुद्वार कार्यक्रम के साथ साथ देश की अन्य प्रमुख नदियों के संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। पेश है ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में 25 जून को भारत की नदियों के परिरक्षण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार मंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई। इस अवसर पर मंत्री महोदया ने कहा कि सरकार गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के लिए एक गहन योजना बना रही है। उन्होंने संकेत दिए कि देश की अन्य नदियों की सफाई के लिए इसी प्रकार के मानकों के कार्यान्वयन की संभावना है। उन्होंने इस कार्य के लिए पर्याप्त फंड की बात भी कही। इस अवसर पर सुश्री उमा भारती ने घोषणा करते हुए कहा कि 5 जुलाई को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, संतों, पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस परियोजना का लक्ष्य गंगा नदी की सफाई और पुनरुद्धार करने के साथ ही नदियों पर आश्रित विद्युत परियोजनाओं से समझौता किए बिना पूरे वर्ष गंगा नदी के मुक्त प्रवाह को बनाए रखना है। तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जनरल काउंसिल ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साल 2014 से 2015 के लिए कुल 21,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों के लिए कार्य योजनाएं शामिल है। पेश है ये रिपोर्ट। विभिन्न फसलों के बीजों की संकरित किस्मों की संभावनाओं और क्षमता की पहचान करने एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर देते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आम परिषद की बैठक 25 जून को कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वर्ष 2014-2015 के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए 2,100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस अवसर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम पर समीक्षा संबंधी प्रस्तुतीकरण दिए। आने वाले वर्षों में इस मिशन का लक्ष्य तिलहनों और दलहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में दालों की सघन खेती अपनाई जाएगी। इस अवसर पर मौजूद चलन के अलावा फसलों के मध्य में तिलहनों की बारी बारी से खेती करने के तरीके को भी अनुमोदित किया गया। मंत्री महोदय ने मिट्टी की जांच की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए हर एक किसान, विशेष तौर पर छोटे और मझोले किसानों को भू स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने पर जोर दिया, ताकि किसान मिट्टी की जांच के अनुसार एवं अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध कर सकें, जिससे उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज ने अपने स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य था लोगों और विज्ञान के बीच की दूरी को कम करना। इस दौरान कई जाने माने वैज्ञानिकों ने अपने व्याख्यान दिए। पेश है रिपोर्ट। बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस यानी न्यास ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान की जनमानस तक पहुंच से मिटेगी दूरियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। न्यास के जेआरडी टाटा सभागार में 20 से 21 जून के मध्य संपन्न इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री के कस्तूरी रंगन ने किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न प्रख्यात व्यक्तियों ने भागीदारी करते हुए विज्ञान संचार के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।
यह संगोष्ठी एक अकादमिक बैठक के रूप में संपन्न हुई, जिसमें विज्ञान संचार के विविध आयामों पर चर्चा के साथ ही भारत में परंपरागत विज्ञान पत्रकारिता और विज्ञान संचार के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार मंथन हुआ। इस अवसर पर नई उभरती वेब आधारित प्रौद्योगिकियों जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ब्लॉग्स का उपयोग जनमानस और शैक्षणिक समुदाय के मध्य जारी कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। अधिकतर वक्ताओं ने वैज्ञानिकों और आम आदमी के मध्य प्रभावी संचार की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि लोकतांत्रिक शासन में हितधारकों में शामिल होते हुए व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम हो सके। We are living in times where there is no aspect of human life which is untouched by science and technology. Unfortunately, the details to which science and technology is taking us, the common man is unaware of that details, and consequently, decision making by the common man becomes difficult. And when it is a question of collective decision making, like a government policy, it becomes even more difficult. Because in a democracy, we want to respect the views of the public, but we don't know what is the views of the public, and we don't know what molds the views of the public, because they are not fully informed. And what we are looking for today, and what is probably the need of the hour, is informed decision making by the stakeholders after getting all details, which requires an effective communication between the scientists and the public at large. Hindustan ne vigyan aur technology mein बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। हिंदुस्तान की जनता, जहाँ पे ये डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है इस वक्त, जनता सवाल पूछती है, न्यूक्लियर एनर्जी के हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के हो, मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन निकलता है कि नहीं उसके हो, या किस तरह से हिंदुस्तान को फूड सिक्योर बनाया जाए, ये सारे सवाल वैज्ञानिकों को जनता को देने हैं, और जनता इस डेमोक्रेसी में ये सवाल पूछेगी लोगों से। इस अवसर पर जनमानस की रुचि के अनेक विषयों जैसे नाभिकीय ऊर्जा, आनुवांशिक परावर्तित फसलों, क्लिनिकल ट्रायल और स्टेम कोशिकाओं के उपयोग, मोबाइल फोन से निकलने वाले विकिरणों के प्रभाव आदि के अध्ययन पर व्यापक चर्चा की गई। भारत के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। हाल ही में दोहा में चल रही यूनेस्को की मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। ये संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है, जहां अनेकों ऐसे जीव और वनस्पतियां हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। विश्व विरासत समिति ने अब भारत के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। ये चयन यूनेस्को के दिशा निर्देशों के निर्धारित मानदंड एक्स के आधार पर किया गया है, जिसके अंतर्गत विज्ञान या संरक्षण की दृष्टि से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण के लिए ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण शामिल है जो सार्वभौतिक महत्व की संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास स्थल हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। कुल्लू क्षेत्र ओरिएंटल और पाला आर्कटिक क्षेत्रों से संबंधित वृहद जैव विविधता स्थल के साथ ही अद्वितीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल तकरीबन 905.40 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का 754.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सैंज वन्य जीव अभयारण्य और 61 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित तीर्थान वन्य जीव अभयारण्य भी इसकी परिधि में शामिल है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र में ऊपरी ग्लेशियर एवं जयवानल, सेंच, तीर्थान नदियों तथा उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली पार्वती नदी के बर्फ आच्छादित उद्गम स्रोत भी हैं। ये उद्यान अनेक संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे पश्चिमी ट्रेगोपॉन, चीड़ तीतर, हिम तेंदुआ, हिमालयन कस्तूरी मृग, एशियाई काला भालू, हिमालयन तहर, नीली भेड़ और सीरों का आवास स्थल है। इस उद्यान में IUCN की रेड लिस्ट में शामिल पौधों की तकरीबन 25 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। विभिन्न तत्वों की शुद्धता की जांच करने के लिए न केवल सही तकनीक की जरूरत होती है, बल्कि उच्च स्तर की प्रयोगशाला की भी जरूरत होती है, जो किसी भी तत्व की बारीक से बारीक अशुद्धि को पहचान सके। इसी दिशा में काम कर रही है हैदराबाद स्थित नेशनल सेंटर फॉर कॉम्पोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स।
यहाँ पदार्थों के विभिन्न गुणों की जांच पड़ताल की जाती है। हाल ही में NCCCM में 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहाँ इसके बारे में कार्य चर्चा की गई। नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल यानी NCCCM ने 24-25 जून को हैदराबाद में नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल इन द सर्विस ऑफ द नेशन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनता के साथ संवाद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से मीडिया के माध्यम से जनता को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के उत्कृष्ट रिसर्च के बारे में जनता को बताने के लिए मीडिया के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं, और इसी सीरीज में हमने नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल में 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया था। इस सम्मेलन का लक्ष्य जनमानस एवं मीडिया को NCCCM द्वारा विज्ञान, विशेषकर उच्च शुद्धता वाले पदार्थों, लौह और अलौह धातुओं एवं मिश्र धातुओं, औद्योगिक उत्प्रेरकों के क्षेत्र में किए गए शोध एवं विकास कार्यों से अवगत कराना था। इस अवसर पर NCCCM सुविधाओं की यात्रा भ्रमण कराने के साथ ही क्लोराइड संसूचन का प्रदर्शन भी किया गया। NCCCM भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का एक यूनिट है, और यहाँ पे बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्क होती है। इसमें रिसर्च भी है और हम लोग अप्लाइड वर्क भी करते हैं। तो इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे आकर के हम लोग के साथ रिसर्च करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग सॉल्व करके उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं। NCCCM की स्थापना भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विश्लेषणात्मक विज्ञान यानी एनालिटिकल साइंसेस के एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई है। यह केंद्र विशिष्ट सांद्रण के 90वें हिस्से तक विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उद्योग और पर्यावरण, पदार्थ और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक प्रयासों को काफी मदद मिलती है। This center initially was conceptualized to support to all these industries and public sector companies who are going to get into the high tech where such pure materials are required. So that was the original genesis. But then we also have started supporting other industries and also the universities. So it itself has become now a complex where not only we serve the high-end industries and national institutes, but also the universities, people can come, give us a sample and we service that. ये केंद्र विश्लेषणात्मक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही उद्योगों को संदर्भ सामग्री की आपूर्ति व अनुकूलन प्रक्रिया और उत्पादन मूल्यांकन में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। भारत में बड़ी संख्या में लोग पर्याप्त मात्रा में और अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण ऊर्जा की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा आहार संबंधित गंभीर विकास में पैदा हो रही बीमारियों से ग्रस्त हैं। स्वस्थ जीवन के लिए ऊर्जा की सही मात्रा प्राप्त करने के लिए इसके अलावा भी खाने में की गई वसा की मात्रा और उसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में हम खान पान की आदतों और अपने आहार में ट्रांस फैट सीमित करने पर चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन चिकित्सा पेशेवर भोजन को दैनिक दवा के रूप में देखते थे। जहां अपर्याप्त भोजन और आधा पेट खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वहीं भोजन की अधिकता, विशेष तौर पर फैटी घटकों से समृद्ध भोजन, मोटापा बढ़ाता है। हमारा देश आज ऐसी ही विडंबना का सामना कर रहा है। ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से बढ़ते शहरीकरण के कारण हमारी जीवन शैली में काफी बदलाव आया है, जिससे हमारा खान पान और स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है।
इस प्रकार एक ओर जहां हमारे देश में कुछ लोग व्यापक रूप से कुपोषण का शिकार होकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर जीवन शैली से संबंधित अनेक बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वस्थ रहने की आदतों को अपनाने की आवश्यकता है। जीवन शैली से संबंधित रोगों में अस्वस्थ आहार आदतें, शारीरिक असक्रियता, मोटापा और धूम्रपान, मद्यपान और नशीली दवाओं के सेवन जैसी आदतें एवं मानसिक दबाव आदि शामिल हैं। पिछले वर्षों में ऐसे विकारों के विकास में भूमिका निभाने वाले कारकों की मात्रा और गुणवत्ता पर वसा आहारों की मात्रा का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। दैनिक आहार में वसा के विभिन्न प्रकारों में सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैट को सामान्य तौर पर हानिकारक माना जाता है, जो मुख्यतः जीवों के स्रोतों जैसे लाल मांस, पोल्ट्री और फैट युक्त डेयरी उत्पादों से प्राप्त होता है। इन्हें रक्त का कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ाने वाला और निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल स्तर वाला माना जाता है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट को सामान्यतया वनस्पति आधारित भोजन और तेलों से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें रक्त का कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ाने वाला माना जाता है, जिससे हृदयघात एवं टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है। सैचुरेटेड फैट के अलावा फैटी एसिड के कुछ प्रकार, जिन्हें ट्रांस फैट कहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक किस्म के वसा हैं। सामान्यतया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनकी संरचना में हाइड्रोजन अणु की स्थिति के अनुसार सिस या ट्रांस विन्यास में मौजूद हो सकते हैं। ट्रांस फैट तब बनता है जब तेल को भोजन पकाने के दौरान आंशिक हाइड्रोजीनेशन द्वारा पकाया जाता है। इस तरह से वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, सरसों का तेल, जैतून, चावल की भूसी, तिल आदि सिस मोनो और पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिडों के स्रोत हैं और उनमें सैचुरेटेड फैट भी कम होते हैं। हालांकि इन तेलों से भोजन आसानी से बनता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी अधिक होती है। शोधकर्ताओं के अध्ययन से ये पता चलता है कि आंशिक हाइड्रोजनीकृत ट्रांस फैट अस्वस्थ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है। भोजन पकाने की आदतों जैसे तलने के दौरान भी ट्रांस फैटी एसिड निर्मित होते हैं, जो तले जाने वाले तेल के तापमान, तलने की अवधि, तेल के गर्म होने, उसे वापस गर्म करने की संख्या पर निर्भर करते हैं। सन 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाया कि हाइड्रोजनीकृत तेलों और वसा से ग्रहण किए गए ट्रांस फैट की मात्रा कुल ऊर्जा का 1% से कम होना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य के गंभीर खतरे को देखते हुए चिकित्सक जहां तक हो सके आहार में ट्रांस फैट से बचने की सलाह देते हैं। ट्रांस फैट को आहार में कम करने के कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं। हमारे देश में वनस्पति घी शुद्ध घी से सस्ता होने के कारण अधिक उपयोग किया जाता है, पर आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों अथवा मार्जरीन के इस्तेमाल से बचें। वनस्पति एवं PHVO अथवा मार्जरीन में तैयार खाद्य वस्तुओं के इस्तेमाल से बचने के साथ ही खाद्य लेबलों की जांच कर लें। तलने के लिए गैर हाइड्रोजनीकृत तेलों का उपयोग करें और तेल को बार बार गर्म करने से बचें। तेल को बार बार गर्म ना करें अथवा उसी तेल को दोबारा इस्तेमाल ना करें। रेडी टू यूज या तत्काल मिक्स आहार सामग्रियों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उनमें ट्रांस फैट की काफी मात्रा हो सकती है। चावल की भूसी का तेल या जैतून का तेल जैसे वैकल्पिक तेलों का उपयोग करें, जो कि बीटा कैरोटीन एवं विटामिन से समृद्ध होते हैं। स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है, इसलिए ये आवश्यक है कि हमें भोजन में ट्रांस तेलों की मात्रा के बारे में पता हो और ऐसे खतरनाक तत्वों से बचने का हम प्रयास करें। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो आने वाली पीढ़ी को उत्साहित करती है। ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी हैं IIT मद्रास के निर्देशक प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति। उन्होंने न केवल वायरलेस के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य किए हैं, बल्कि IIT मद्रास को आगे बढ़ाने में भी एक नया मुकाम हासिल किया है। आज मीट द साइंटिस्ट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति देश में दूर संचार और कंप्यूटर नेटवर्किंग समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। प्रोफेसर भास्कर इस क्षेत्र में शोध समुदाय के प्रख्यात व्यक्ति हैं। 17 अप्रैल 1959 में जन्मे प्रोफेसर राममूर्ति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से सन 1980 में बीटेक किया।
सांता बारबरा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर विभाग से उन्होंने 1982 में एमएस की डिग्री प्राप्त की और सन 1985 में पीएचडी की। डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर रामामूर्ति ने एटीएनटी बेल लैब्स में 2 वर्षों तक कार्य किया। फिर उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। उन्होंने सन 2005 से 2011 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में डीन ऑफ प्लानिंग के दायित्व का निर्वाह किया। सन 2011 से वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। प्रोफेसर रामामूर्ति संचार, वायरलेस नेटवर्क और सिग्नल प्रोसेसिंग के विशेषज्ञ हैं और उन्हें इनडोर वायरलेस कम्युनिकेशन के 2 मूलभूत शोध पत्रों के लिए जाना जाता है, जिनमें से 1 शोध पत्र आधुनिक वाईफाई तकनीक के उपयोग का आधार है। We decided to use wireless technology to actually provide, develop a cheaper, more affordable telephone line, wire line, fixed line. So it was called wireless in local loop. And at that time, a wired telephone, a telephone that is provided to a home or office by laying copper on the ground, used to cost at that time 30,000 rupees per line. We found that by using wireless technology, you could actually reduce the cost of providing a telephone line to 10,000 rupees per line at that time, from 30,000. And not only that, you could do it without digging and without all the mess associated with all that in Indian context. So we built that system, and we actually, the students we helped, they created a company, and 1 million lines were deployed in the country through BSNL. It was called Cordect. That was our first experience in actually building a real system, testing it in the field. प्रोफेसर रामामूर्ति दूर संचार क्षेत्र के सक्रिय समर्थक हैं और पिछले 20 वर्षों के दौरान भारतीय बाजार के लिए अभिनव वायरलेस उत्पादों के शोध और विकास में कार्य कर रहे हैं। वो टी नेट के संस्थापकों में से एक हैं, जिसने अनेक उत्पाद जैसे ग्रामीण एटीएम, मेडिकल नैदानिक किट और इंडिक कंप्यूटिंग आदि विकसित किए हैं। I've been focused on industry and this as a country getting a strength, becoming strong in wireless technology and using it to actually address the telecom challenge in our country. अनेक प्रख्यात पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर रामामूर्ति द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी के संस्थापक एवं मानद निदेशक हैं। इसके अलावा वो गवर्निंग काउंसिल ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर एवं काउंसिल ऑफ रिलायंस IITM टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा वो IITM रिसर्च पार्क की कल्पना करने वाले समूह के सदस्य होने के साथ ही वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर रामामूर्ति ने भारत में ब्रॉडबैंड वायरलेस कंसोर्टियम बनाया। दूरसंचार क्षेत्र में उनके अनुसंधान एवं विकास कार्यों के योगदान के लिए सन 2011 में उन्हें भारतीय सेमीकंडक्टर एसोसिएशन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। जून 1934 को चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का जन्म भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित राव ने सन 1951 में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने संक्रमण धातुओं की ऑक्साइड व्यवस्था सहित उच्च तापमान अतिचालकता, विशाल चुंबक प्रतिरोध एवं धात्विक रोधन परिवर्तन से संबंधित संरचनात्मक विज्ञान पर कार्य किया। सन 2006 में वे भारत विज्ञान सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने। वे सन 1989 में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में निदेशक बने। श्री राव को डिजाइनर ठोसों की अद्वितीय संरचनाओं और गुणों के विश्लेषण के विशिष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। 1 जुलाई 1896 को एडवर्ड जेनर ने चेचक संबंधी अपने प्रसिद्ध चेचक एक्सपेरिमेंट को संपन्न किया। उन्होंने एक लड़के जेम्स फिप्स की बाहों में कट लगाकर चेचक का टीका लगाया। वो लड़का प्रभावित नहीं हुआ, जबकि उसे पहले चेचक का टीका लगाया गया था। इस प्रकार उनका प्रयोग सफल रहा। इस प्रयोग ने टीकों के विकास की संकल्पना को जन्म दिया। प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उन्होंने सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो मार्च 1995 में नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में शामिल हुई। उन्हें 1995 में पहली बार उड़ान के लिए चुना गया।
फिर सन 1997 में वो अपने पहले अंतरिक्ष मिशन में कोलंबिया अंतरिक्ष यान में गईं। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला हैं। सन 2000 में उन्हें उनकी दूसरी उड़ान में मिशन विशेषज्ञ के रूप में चुनकर सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों का प्रभारी बनाया गया। दुर्भाग्य से वो अंतरिक्षयान सकुशल वापस नहीं लौटा। आज वो प्रत्येक विद्यार्थी की प्रेरणा बन चुकी हैं। 4 जुलाई 1790 को जॉर्ज एवरेस्ट का जन्म इंग्लैंड के वेल्स शहर में हुआ था। वो ब्रिटिश सर्वेक्षक और फोटोग्राफर थे जो सन 1806 में भारत आए थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत में त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण पूरा किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर में नेपाल तक के क्षेत्र को कवर किया। उनके इस सर्वे एवं इसके बाद के सर्वे के नतीजों से ही माउंट एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई की गणना की जा सकी, जिससे ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत साबित हुआ। उनके सम्मान में इस शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।